हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। 8 जून की क्या कुछ करंट अफेयर्स है और इस करंट अफेयर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम और फेसबुक पे पोस्ट किए हुए थे उनके भी आंसर हम लोग फटाफट देखने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या आंसर्स हैं उनके। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जिनको कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एज वेल एज टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स की, जिसमें 12 टेस्ट हैं और हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस फॉर ईच मंथ। ये रहेगी 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। करंट अफेयर्स में देखें तो सबसे पहली करंट अफेयर्स आती है सेंडिंग मनी अब्रॉड अप्रैल मार्क्स 50 मंथ लो एट $499 मिलियन। हुआ क्या है कि जो भी रेमिटांस बेसिकली हमारे आते हैं या जो भी हमारे इंडियंस फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो टूरिज्म के जरिए या फिर मनी ऑर्डर के जरिए जो भी रेमिटांसेस इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडिया में भेज रहे होते हैं वो काफी ज्यादा लो हो गया है। एक स्टडी के तहत ये कहा गया है कि जो कोविड है, कोरोना प्रॉब्लम, उसके कारण से बहुत ज्यादा ट्रैवल घट गई है और इसके कारण से जो लोग रेमिटांस जो रेमिट कर रहे होते थे वो काफी ज्यादा कम हो गई और कम हो करके ये $499 मिलियन पे चली आई हुई है। हालांकि एक लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा, इनफैक्ट गवर्नमेंट नहीं आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी 2004 में, जहां पर कुछ कुछ स्कीम में देखेंगे अभी क्या किया गया था, उसके तहत भी बहुत ज्यादा हमें लॉस देखने को मिला है। इनफैक्ट एक कैलकुलेशन के हिसाब से 61% डिक्लाइन हमें देखने को मिली हुई है। और ये जो कंपैरिजन है वो लास्ट ईयर मतलब कि फरवरी 2016 के बाद अब सबसे ज्यादा लो हमें देखने को मिला है। फरवरी 2016 में जो लो देखने को मिली थी वो $449 मिलियन हुआ करती थी। लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम के बारे में अगर बात करें तो देखिए स्कीम आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है और ये लॉन्च की गई थी 2004 में। एक चीज आप जरा ध्यान रखिएगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर फॉरेक्स रिजर्व होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअल में रखती नहीं है अपने पास। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे अपने पास रख रही होती है। हालांकि उस फॉरेक्स रिजर्व पे जो कह लीजिए कि अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। इस स्कीम के बारे में अगर बात करें तो इस स्कीम में बेसिकली हर एक इंडिविजुअल, हर एक रेजिडेंट इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द माइनर्स, माइनर को भी इंक्लूड किया गया है। इसके तहत जो लोग भी बाहर रहते हैं वो लगभग $2.5 लाख की रिमिटांस कर सकते हैं, वो भी फ्री में, इससे ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिबरलाइज्ड रिमिटांस स्कीम के अंतर्गत नहीं आएगा और उस रिमिटांस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक टैक्स कलेक्ट कर रही होती है, एक अमाउंट या फिर कह सकते हैं कि एक पीनल अमाउंट बेसिकली ले रही होती है। हालांकि ये स्कीम सबके लिए लागू नहीं होती है, कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए लागू नहीं होती है, बाकी इंडिविजुअल या फिर माइनर के लिए इंक्लूड हो रही होती है। इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स है और वो करंट अफेयर्स है जुलाई 2019 की, जहां पर रेमिटांस में एक बहुत बड़ा शेयर हमें फॉरेन रिजर्व के रूप में मिला था और वो नियरली जो पैसा आया था आउटफ्लो ऑफ $1.69 बिलियन हमें देखने को मिला था। तो ये भी करंट अफेयर्स है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है। अगर इस रेमिटांस के बारे में बात करें तो देखिए रेमिटांस बेसिकली कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया में जुड़ जा रही होती है और इस तरीके से बेसिक्स आप लोगों को पता होगा, बेसिक्स के बारे में जानकारी होगी। अगर इस क्वेश्चन पे आ जाए तो क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि रिसेंटली अ डिक्लाइन इन रेमिटांस हैव बीन नोटेड 50 मंथ्स लो। इसमें से पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो रेमिटांस इज लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट एंड नोटेड ऑन कैपिटल अकाउंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम कैपिटल अकाउंट में आता है। दूसरा है कि रेमिटांस इज कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एनएनपी नॉट अंडर एनडीपी, बिल्कुल करेक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं आता है, ये नेशनल प्रोडक्ट में आता है या फिर कह सकते हैं कि ये नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जा रहा होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है कि रेमिटांस इज द लार्जेस्ट सोर्स फॉर द कंट्री टू मेक फॉरेन रिजर्व, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, रेमिटांस जो होती है टॉप मोस्ट बनी हुई है अभी भी फॉरेन करेंसी के लिए। तो इसमें से सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पर कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा डी। दूसरे करंट अफेयर्स पे चलें तो देखिए यहां पर एक एफपीआई के बारे में न्यूज निकली हुई है, जहां पर यह बोला गया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज में लास्ट वीक में बढ़ोतरी देखने को हमें मिली है। हालांकि डेप्ट सेगमेंट से ये हटाया गया है, डेप्ट सेगमेंट से ये चीजें निकाली गई हैं और
इक्विटीज में इन्वेस्ट की गई है। एफपीआई के बारे में अगर बात करें तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग एफपीआई या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एफडीआई डायरेक्ट फॉर्मेट होती है जहां पर कंपनी खुद आती है और खुद ही इन्वेस्ट कर रही होती है, खुद ही अपने प्लांट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट कर रही होती है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में होता यह है कि जो कंपनी होती है वो इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रही होती है इक्विटी के माध्यम से या शेयर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस है, रिलायंस के शेयर को अगर किसी ने खरीद लिया, जैसे अभी रिसेंट में अबुधाबी की एक इंडस्ट्रियल कंपनी ने खरीदा है, तो वो एफपीआई इन्वेस्टमेंट हो गया, ना कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी फिलहाल में यही निकला है कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन ऑफ जून ओवरसीज इन्वेस्टर पुट इन अ नेट सम ऑफ 20,814 करोड़ इन इक्विटी, हाउवर इट पुल्ड आउट नियर अबाउट इतने अमाउंट की मनी को जो होता है डेप्ट सेगमेंट से हम लोगों ने निकाल लिया है। एक एनालिस्ट का कहना है कि जो एफपीआई होती है ये इन्वेस्ट की जा रही होती है फंडामेंटली इन द ब्लू चिप इकोनॉमी या फिर ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है? ब्लू चिप कंपनी का मतलब वो होता है कि वो सारी कंपनी जो लगातार ग्रोथ शो कर रही है, लगातार जो होती है प्रोग्रेसिव स्टेज में बनी हुई है, इस कंपनी को हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। जैसे ONGC हो गई या रिलायंस हो गई, ये सब ब्लू चिप कंपनी के अंतर्गत आ जा रही होती है। दिस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से बहुत ज्यादा इस समय रिजिलियंसी आ चुकी है, नई कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। द राइज इन एफपीआई इनफ्लो एंड द बायंसी इन द स्टॉक मार्केट हैव रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज रिस्पाइट द नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शन। क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। जरा आप लोग ध्यान दिया करिए, करेक्ट पूछा गया है इनकरेक्ट। यहां पर कहा गया है कि एफडीआई और एफआईआई ये सम ऑफ द मेथड्स थ्रू विच फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडिया विच आर नोटेड इन कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैपिटल अकाउंट में रेमिटांस, गिफ्ट, एफडीआई, एफपीआई ये सब चली जा रही होती है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो एफडीआई इज डायरेक्टली डायरेक्ट फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो होती है, एफपीआई जो होती है इनडायरेक्ट होती है, करेक्ट है, डिस्कस कर लिए। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो एफपीआई इज मोर फेवरेबल देन एफडीआई, नहीं देखिए एफपीआई जो होती है वो लेस फेवरेबल होती है, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होती है जबकि एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इस कारण से एफपीआई फेवरेबल ज्यादा नहीं होती है, रिजिलियंसी लेकर के आ रही होती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है बेसिकली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। रिसेंट में आप लोगों ने बहुत सारे करेंट अफेयर्स या बहुत सारी न्यूज ऐसी देखी होंगी, जैसे एलिफेंट की आपने न्यूज देखी होगी, साथ ही साथ एक और न्यूज निकली हुई है जहां पर असम की कोल फील्ड में यहां पर एक एलिफेंट रिजर्व जिसका नाम है पत्काई एलिफेंट रिजर्व, यहां से भी कोल इंडिया के कारण से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। यहां पर भी हाथियों की बहुत ज्यादा दुर्दशा देखने को मिली है, साथ ही साथ टाइगर को भी विक्टिम बनाया गया है चंद्रपुर यानी कि तडोबा अंधेरी कुमारम भीम इस टाइगर रिजर्व में। कुमारम भीम तडोबा अंधेरी ये जो टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली महाराष्ट्र से तेलंगाना को जोड़ते हुए एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और यहां पर अगेन जो है बहुत सारे कोर और बफर क्षेत्र में लगातार पोचिंग देखने को मिलती है और टाइगर को मारने की कोशिश की जा रही होती है। लास्ट में एक और करंट अफेयर्स आपने देखा होगा एलिफेंट को लेकर कि यहां पर केरल में काफी ज्यादा डेथ होनी शुरू हो गई है, जिसमें एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की जो डेथ हुई है उस पर काफी ज्यादा जो है पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हो गई है। ये एक साइलेंट वैली में बफर जोन में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, जहां पर अभी फिलहाल छानबीन की जा रही है, देखा जा रहा है बेसिकली क्या कुछ है। लेकिन यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से 2015 से 2020 के बीच में केरला में नियर अबाउट 416 एलिफेंट को मारा गया है, साथ ही साथ 24 डेथ एट्रिब्यूटेड टू अननेचुरल कॉज, जैसे हंटिंग हो गई या इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी के कारण से, दीज आर बीइंग हिट बाय व्हीकल्स और एक्सप्लोजिव। तो किसी न किसी तरीके से बेसिकली इन सारे एलिफेंट्स को मारा गया है। इसी साथ में 514 पीपल वर किल्ड इन अटैक बाय द वाइल्ड एनिमल। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली मैन एनिमल दोनों कंफ्लिक्ट हो रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और दोनों के कारण से दोनों को ही क्षति पहुंच रही है। इसके साथ ही साथ 2019 में 15 पीपल किल्ड इन एलिफेंट अटैक एंड दे हैव बीन 246 केसेस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम इन केरला। तो ये बेसिकली देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मैन एनिमल कंफ्लिक्ट हो रही है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के क्वेश्चन है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है
बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का इन इंडिया। यहां पर देखेंगे पहला स्टेटमेंट तो देखिए टू सर्व एज अ वाइडर बेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइडर रेंज ऑफ लिविंग रिसोर्स एंड देयर इकोलॉजिकल फाउंडेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं है यहां पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू ब्रिंग आउट रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम अंडर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस। देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन इकोसिस्टम नहीं किया जाता है, बेसिकली ये ओवरऑल कंजर्वेशन की जा रही होती है। स्टेटमेंट नंबर थ्री के बारे में बात करें टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इनहेबिटेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एडवाइस ऑन द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग लाइवलीहुड। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे जहां पर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इस तरीके से इसका आंसर 1, 3, 4 केवल और केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जहां पर नॉर्थ से साउथ लगाने की बात कही जा रही है। साइलेंट वैली आप देख सकते हैं ये केरला में पाई जा रही है, तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है, पक्की नेशनल पार्क आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है, और पत्काई एलिफेंट या असम में। ठीक है, यहाँ पर वैसे होना चाहिए 3, 4, 2, 1, 3 देन 4 देन 2 देन 1 होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है ट्यूलिप से रिलेटेड, ये बेसिकली अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके बारे में अगर देखें तो ये बेसिकली जो स्टार्ट की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी स्टूडेंट बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीआर्क करके रखें या बीटेक करके रखें उनको एक अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंडल्ज किया जाएगा, जिससे कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं स्मार्ट सिटी वगैरह हैं उनके बारे में लोग स्टडी करेंगे और नए रिसर्च या फिर नई खोज कर रहे होंगे। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी वो बजट सेशन के दौरान ही की गई थी और इसकी थीम थी एस्पिरेशनल इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज दिस, याद रखिएगा, प्रीलिम्स से पूछे जा सकने की संभावना काफी ज्यादा है। इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी अगर डिटेल के बारे में बात करें तो दिस प्रोग्राम इज फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश ग्रेजुएट एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन द अर्बन सेक्टर। इसके अलावा इट हेल्प एनहांस द वैल्यू टू मार्केट ऑफ इंडियन ग्रेजुएट, क्योंकि जब ये एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आगे जब भी ये इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो, या किसी से भी रिलेटेड अगर रहेगा तो इनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको अपने नॉलेज के साथ इनबिल्ट करके तब जा करके इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इट विल लीड टू इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश आइडियाज एनर्जी विथ एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन क्रिएशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग इंडियाज अर्बन चैलेंजेस। ये तो हालांकि मैंने आप लोग को बता ही दिया कि एमएचआरडी जो होती है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा मिलकर के बनाई गई है। क्वेश्चन देखें अगर इस पे बेस तो देखिए ट्यूलिप प्रोग्राम के करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहां पर देख सकते हैं एमएचआरडी और हाउसिंग की स्कीम है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जहां पर रिसर्च बेसिकली स्मार्ट सिटी की ओर किया जाएगा, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही सही हो जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो ऑयल लीक हो रखी है रशिया में और उसके कारण से काफी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, एक इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो गया है। तो रशिया हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर अ पावर प्लांट फ्यूल लीक इन द आर्कटिक रीजन, जिसके कारण से यहां पर जो सरफेस है वो क्रिम्सन रेड कलर का हो गया है ऑयल के मिलने के कारण से। ये जो ऑयल डिस्चार्ज हुई है वो अम्बराया रिवर में हुई है और इसके कारण से आर्कटिक ओशियन में इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन वाज रिलेटिवली कि यहां पर अम्बरनाया रिवर ये कहां पर है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि ये रशिया में है, सीधे से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है अभी रिसेंट में 5 जून को एनवायरमेंटल डे था और वहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दो स्कीम लॉन्च की थी। एक स्कीम तो लॉन्च की जिसका नाम है हेल्दी एंड एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग इनिशिएटिव, दूसरी एक और स्कीम थी जिसको कि ईईएसएल ने ही लॉन्च किया हुआ था एंड दैट वाज रिलेटेड विद आई कॉमेट स्कीम, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है यूट्यूब पर, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में सजेशन भी आपको मिल जाएगा। इस स्कीम के बारे में बात करें तो देखिए ईईएसएल ने इसको भी लॉन्च करके रखा है, साथ में पार्टनरशिप हो रखी है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत। ज्यादा आपको टफ नहीं होगा, इस मैत्री प्रोग्राम को बस आप उल्टा कर दीजिए और पूरी की पूरी स्कीम आपको याद हो जाएगी, जैसे EERTIAM, तो EESL, साथ में यहां पर रिट्रोफिटिंग और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड यहां पर पूरी इनिशिएटिव हो जाएगी। तो इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, रिट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड एयर कंडीशनिंग। बेसिकली यहां पर हो ये रहा है कि जो एनर्जी रिजिलियंट या फिर कह लीजिए एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे एसी वगैरह जब भी लगाएंगे तो वो ऐसी एसी जो एनर्जी इफिशियंट हो,
एनवायरमेंट ज्यादा डैमेज ना कर रही हो, तो इस तरीके की चीजों पर रिसर्च किया जा रहा होगा। इस मैत्री प्रोग्राम का पूरा नाम है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और साथ में यूएस की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिलकर के काम कर रही होगी और नए और कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की तलाश कर रहे होंगे, इस पर रिसर्च कर रहे होंगे। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है और दोनों ही सीधे सीधे करंट अफेयर से लिया गया है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पेट्रापोल बॉर्डर के बारे में है। जैसे होता क्या है कि जितनी भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, लाइक इंडिया नेपाल हो गया या फिर इंडिया बांग्लादेश हो गया, इन दोनों के साथ में हमें कुछ बॉर्डर्स बनाने पड़ते हैं, चेक पोस्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे रिसेंट में अभी नेपाल के साथ हम लोगों ने दो चेक पोस्ट बनाया हुआ है, एक बना के रखा हुआ है जोगबनी में और दूसरा बना के रखा गया है रक्सौल में। सिमिलरली बांग्लादेश में भी एक चेक पोस्ट बनाई गई है जिसका नाम है पेट्रापोल बॉर्डर। तो सिंपल है, इसमें कुछ खास बताने वाली चीज नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि जो वेस्ट बंगाल मतलब कि बॉर्डर के इस साइड में डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, दिस इज 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद से बांग्लादेश यहां पर आ जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी पेट्रापोल से रिलेटेड डिस्कशन। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए कि दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद डिफेंस, यहां पर डिफेंस के लिए बनाया गया है। लास्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू बैंक से रिलेटेड। इसके बारे में जरा समझ लीजिए, कुछ खास है नहीं। जैसे मान लीजिए दिस इज मी, अगर मान लीजिए मुझे एक्सपोर्ट में काम करना है, मान लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में काम करना है, इस इंटरनेशनल बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में आपको पता होगा कि सारा काम क्रेडिट पे होता है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप जितने भी गुड्स हैं, गुड्स को आप फिलहाल पहले देंगे, फिर उसके बाद से फिर पेमेंट आ रही होती है। तो पहले आपको सामान देना पड़ता है, तब आपको पेमेंट आती है। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि मान लेते हैं कि ये जो बंदा है इसको पेमेंट नहीं आई, तो फिर क्या होगा? 100% श्योर है कि नेक्स्ट टाइम ये एक्सपोर्ट अब नहीं करेगा क्योंकि इसे लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। इसके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी ज्यादा लॉस हो जाता है और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लेकर के आई हुई है और उस स्कीम का नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू बैंक्स। होता क्या है इसमें, इसमें ये बंदा जब भी कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेगा, कोई भी गुड एक्सपोर्ट करेगा, तो इसको इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस देने का मतलब कि अगर इनकेस पेमेंट नहीं आती है तो ये जो बैंक है वो इनको पेमेंट करेगी। इससे होगा क्या, एक तो इनको इंश्योरेंस मिल गया, तो इससे ये क्रेडिट या फिर कह लीजिए क्रेडिट पे जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमी अल्टीमेटली ब्रॉडन होती जाएगी और साथ ही साथ इनको एक अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन रहेगा, या कह लीजिए कि इनको किसी प्रकार से कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि बैंक ने ये पूरा सिस्टम देख रखा है। तो ये थी पूरी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू बैंक स्कीम। इसके बारे में देख लीजिए कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है जो कि 1957 में स्टैब्लिश की गई थी, जिससे कि क्रेडिट इंश्योरेंस को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इस स्कीम में किया क्या गया है कि जो बैंक्स हैं वो जितने भी क्रेडिट एक्सपोर्ट के कारण से लॉस हो सकता है, चाहे वो प्री शिपमेंट हो चाहे पोस्ट शिपमेंट हो, दोनों के दोनों लॉस को ये बेसिकली भरपाई कर रहे होते हैं। नियरली 90-95% ये भरपाई कर रहे होते हैं। इस तरीके से जो भी इंसॉल्वेंसी या डिफॉल्ट की कंडीशन हो सकती थी उस तरीके के रिस्क से बचाया जा सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तो सीधे सीधे आपको पता ही होगा। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां पर सीधे सीधे अगेन दोनों ही स्टेटमेंट करंट अफेयर से लिए गए हैं, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगी इसकी सी। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी करंट अफेयर्स। अगर आपको किसी प्रकार से कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी या फिर किसी प्रकार से सजेशन देना होता है तो आप इन मीडिया सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। चले फिर इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।